अब से कुछ देर पहले दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाली मजेंटा लाइन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और तमाम पैसेंजर्स को एक क्रिसमस गिफ्ट दिया। क्रिसमस के मौके पर इसलिए हम आप सभी को भी कह रहे हैं मेरी क्रिसमस। कुछ देर पहले की तस्वीरें जब उद्घाटन समारोह चल रहा था, यहां पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक की मौजूदगी में पहली ड्राइवरलेस मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। आपको यह भी बताया आज से ठीक 15 साल पहले दिल्ली मेट्रो की पहली मेट्रो का उद्घाटन किया था श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने, जिनका आज जन्मदिन भी है। इसलिए बेहद ही खास आज का ये दिन है, मजेंटा लाइन में बेहद खासियत है और इस पर और इसकी और खासियत के बारे में बातचीत करने के लिए और क्या कैसी सौगात ये तमाम पैसेंजर्स के लिए जो कि नोएडा से होते हुए सीधे अब साउथ दिल्ली सफर कर पाएंगे, हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर पीके सरकार हैं, एचओडी ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन एसपीए। सर आपका स्वागत है और साथ ही हमारे साथ एसके विज सर हैं, फॉर्मर मेंबर रेलवे बोर्ड। सर आप दोनों का स्वागत है और सबसे पहले मेरी क्रिसमस। आज का दिन बेहद ही खास है और हर जगह खुशियां हैं, हर जगह गिफ्ट्स की बात हो रही है और यहां पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन के तौर पर यहां पर मिला है तमाम पैसेंजर्स को। लेकिन सबसे पहले इसके बीच सर आपसे मैं समझना चाहूंगी, मजेंटा लाइन अब तक तो मेट्रो का नेटवर्क बहुत बड़ा फैल गया है जो कि 8.5 किलोमीटर से शुरुआत हुई थी इस पूरे नेटवर्क की, 230 किलोमीटर तक ये पूरा जो है वो नेटवर्क फैल चुका है, लेकिन मजेंटा लाइन की खासियत आपको कैसे लगती है? आपके अपने एक्सपीरियंस से एक्चुअली आप जानना चाहेंगे आपके कि ये अनअसिस्टेड ट्रेन ऑपरेशन सिस्टम है जो कि फुली ऑटोमेटिक है, कैसा एक्सपीरियंस रहेगा यहाँ पर? देखिए ये लाइन तो एक डिस्टेंस को शॉर्ट कर रही है बिटवीन नोएडा एंड साउथ दिल्ली और जैसे ही ये लाइन फर्दर एक्सटेंड होगी ये बाकी एरिया दिल्ली में जो और कम्यूटर्स हैं जो कि गुड़गांव जाना चाहेंगे उनके लिए भी सुविधा बन जाएगी। एक होस खास जो है एक बड़ा हब बन जाएगा इस इंटरचेंज के लिए। जहाँ तक ड्राइवरलेस ऑपरेशंस की बात है, ये कम्युनिकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि वर्ल्ड ओवर यूज़ होती है, इन्होंने काफ़ी ट्रायल्स किए हैं। पर जैसा कि मैंने पढ़ा है ये अभी कुछ इसको रेगुलर तौर पर अभी नहीं इंट्रोड्यूस इमीडिएटली कर रहे, कुछ समय बाद करेंगे। इन चीज़ों से जब ह्यूमन एलिमेंट निकलता है तो एक तो फ्रीक्वेंसी इम्प्रूव हो जाती है, सेफ्टी इम्प्रूव हो जाती है, बिकॉज जो फेल सेफ जो तरीके अपनाए जाते हैं कि कम्युनिकेशन बेस्ड सिस्टम में अगर फेलियर हो तो ट्रेन रुक जाए, ये नहीं हो कि क्रैश करे, तो वो सब चीज़ें का प्रावधान है और मेरा अनुमान है कि ये प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ में शुरू किया जाएगा और अभी तक की ट्रायल रिपोर्ट्स का बेसिस जो है तो वो इनको अच्छा दिशा दिखाया ही है। राइट सर, इनफैक्ट सर ये दिल्ली मेट्रो के लिए भी वन ऑफ इट्स काइंड एक्सपीरियंस है क्योंकि सिर्फ 6 देशों में ही फुल ऑटोमेटेड मेट्रो है और भारत इसके तहत 7वां देश बन जाएगा जहां पर ड्राइवरलेस मेट्रो चलेगी। हालांकि एक साल तक ड्राइवर की मौजूदगी रहेगी, उसके बाद धीरे धीरे करके अकॉर्डिंग टू वर्किंग इसको आगे बढ़ाया जाएगा टूवर्ड्स मेकिंग इट फुली ऑटोमेटेड। लेकिन डॉक्टर पी के सरकार, हम देखते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव हो जाते हैं, आसानी हो जाती है जब मेट्रो इंट्रोड्यूस हो जाती है और ये तो एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो कि नोएडा से होते हुए साउथ दिल्ली को कनेक्ट करेगी। मतलब जो एक ट्रैफिक कंजेशन होता है खासतौर पर हम साउथ दिल्ली में देखते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन की प्रॉब्लम है और उसकी वजह से आपको लगता है कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा आसान जो मेट्रो का है सफर लोगों के लिए तो अच्छा है लेकिन सड़कों पर जो लोग सफर करेंगे उनके लिए भी आसान होगा? डॉक्टर सरकार ये सवाल आप ही से था। देखिए ये जो आप अराउंड 12.8 किलोमीटर जो कनेक्टिविटी हो रहा है एज ए मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, आपको 37 किलोमीटर इस सिस्टम में लाइन में आपका 12 किलोमीटर अभी तक जुड़ा हुआ है। इसी में हिसाब किया ये जब पूरा मेट्रो जब हो जाएगा 370 किलोमीटर तक कभी करीब 10 मिलियन पैसेंजर्स लोड ज़्यादा ये आपका 44 बिलियन पैसेंजर्स लोड ले पाएंगे। अभी तो करीब करीब मैक्सिमम 3 मिलियन लेते हैं, वो घाट के प्रैक्टिकली उसका जो असर होगा आपका जो कार एवं ऑटो रिक्शा स्कूटर जो ड्राइवर का वो काफ़ी कम हो जाएगा।
मैं अनुमान किया, मैं कैलकुलेट किया, एक्चुअली करीब करीब 35,000 टू 40,000 जो पर्सनलाइज्ड व्हीकल इसका कम हो जाएगा ये 12.5 किलोमीटर 12.8 किलोमीटर सेक्शन के लिए। एंड जब पूरा सेक्शन बन जाएगा आपका 37 किलोमीटर, उसी में करीब करीब 1,00,000 व्हीकल कम हो जाएगा रोड से। इसके लिए हमारा जो ग्रीन हाउस गैस और पॉल्यूटेंट्स काफ़ी कम हो जाएगा सड़क से। दैट मीन्स हम लोग बोल पाएंगे इसका हिसाब से हमारा काफ़ी सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग जो बात करते हैं, इसके लिए काफ़ी हम लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। एंड मेरा जो मैं तो चाहता हूँ जब पूरा मेट्रो पूरा फैल जाए, वो करीब करीब आपको फोर्थ फेज तक दिल्ली काफ़ी एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम बन जाएगा विद लास्ट माइल कनेक्टिविटी। इसके लिए हमारा जो इफेक्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटरचेंज डिस्पर्सन काफ़ी सुराह हो जाएगा। एंड मेरा विचार से ये मेट्रो ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये मेट्रो के लिए मेट्रो हमारा जो विजन है, जो इतना पैसेंजर्स डिमांड हो जाएगा 2030-50 में, विदाउट मेट्रो हम लोग सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अचीव कर नहीं पाएंगे। एंड इसका और एक विचार आप जो बोल रहे थे, और एक हम अप्रिशिएट करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सिस्टम्स है, ये कोई ऐसे इवेंचुअलिटी हो जाए तो ऑटोमेटिकली ट्रेन डिसलरेशन हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, इसके लिए जो क्रैश होने का संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। सो लगता है हमारा जो आहिस्ता ऐसे जो फेस में हम लोग डेवलप करेंगे, ये हमारा सिस्टम के मेट्रो सिस्टम के लिए एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है हमारा इंडियन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बिल्कुल सर, इनफैक्ट ये माइलस्टोन है और काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है, क्योंकि 5 बजे से हम लोग सफ़र कर पाएंगे फुल फ्लेजिडली इस मेट्रो में, और क्योंकि छुट्टी का समय है इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग आउट ऑफ क्यूरियोसिटी भी इस पर सफ़र करेंगे। एसके विड सर, आपके एक्सपीरियंस से मैं समझना चाहूँगी, क्योंकि देश में बहुत सारी ड्राइवरलेस मेट्रोज हैं, वहाँ का एक्सपीरियंस अगर आप हमें बता पाएँ, और कंपेयर टू अब जब इंडियन सिस्टम में ये एक्चुअली हम टेक्नोलॉजी ला चुके हैं, किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है? क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह पहले 1 साल तक तो ड्राइवर होगा, बट एज फार एज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज कंसर्न, कुछ और सेफ्टी मेजर्स भी यहाँ पर मेट्रो में रखे गए हैं, जैसे कि जो ग्लास डोर होता है, जो मेट्रो का अपना दरवाजा होता है, उससे पहले प्लेटफॉर्म पर एक ग्लास डोर होगा जो कि मेट्रो पहुंचने के बाद खुलेगा, उसके बाद आप अंदर जा पाएंगे। तो कुछ सेफ्टी फीचर्स है, उसके लिहाज से आपको कैसे ये फीचर्स लगते हैं? जी देखिए, ये वर्ल्ड ओवर ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्टिंग है। सैन फ्रांसिस्को की मेट्रो बहुत सालों पहले से ही ड्राइवरलेस थी, और ये जो स्क्रीन प्रोटेक्शन है प्लेटफॉर्म्स पर, वो एक प्रोटेक्शन मेजर्स है। और जैसे मान लीजिए ये फेलियर हुआ सिस्टम में, ट्रेन रुक गई, उसमें रेस्क्यू कैसे होगा, उसमें ट्रेन को कैसे फिर मूव आउट किया जाएगा, ये सब चीज़ें बिल्ट इन है, और इन सब चीज़ों का कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो चुका है। पर ये टेक्नोलॉजी जो है ग्रेजुअली इम्प्रूव भी होती रहती हैं, और रिलायबल और सेफ्टी मेजर्स आते रहते हैं, तो इन सब की लेटेस्ट जानकारी मेट्रो लेता है, उनको अडॉप्ट करता है। और मैं मानता हूँ कि ये जो इन्होंने टेक्नोलॉजी इंडक्ट भी की है, इसमें भी इन चीज़ों का प्रावधान किया है, ताकि ये जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट्स वर्ल्ड ओवर होती जाएँ, वो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर भी होती जाएँ, और जो लाइनें बने उन पे भी जो बेसिक ग्राउंड इंस्टॉलेशंस हैं वो भी अप्रोप्रिएट लेटेस्ट लगते रहें, और जो ट्रेन के अंदर माउंटेड इक्विपमेंट है उसमें भी जो इम्प्रूवमेंट्स हैं। बट अब उन चीज़ों की एग्जैक्ट डिटेल तो इस सिचुएशन में देना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो आप इस विश्वास के साथ चले कि ये प्रावधान किए गए हैं, और फर्दर इम्प्रूवमेंट्स को भी इनकॉर्पोरेट करने का भी प्रावधान किया गया है। बिल्कुल सर, क्योंकि टेक्नोलॉजी है तो डेफिनेटली वो तो इम्प्रूव होती जाएगी, अपडेट होती जाएगी। डॉक्टर सरकार, हमने ये देखा है कि मतलब आज के टाइम पर लगभग 20,00,000 लोग सफ़र करते हैं मेट्रो से रोज़ाना, अलग अलग जो लाइंस हैं, लेकिन हमने ये भी देखा कि मेट्रो के किराए भी बढ़ गए थे, तो उसमें एक कमी भी आई थी। ये एक पर्पस यहाँ पर क्रिएट किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का नेटवर्क फैलाया जाए, जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें,
लेकिन ये भी देखा गया है जितना मेट्रो में लोग सफर करते हैं उतना सड़कों पर भी ट्रैफिक बढ़ता है और उतना गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती है। तो आने वाले समय में मेट्रो के जो नेटवर्क उसको और मजबूत किया जाए, किन बातों के ध्यान में रखने की जरूरत है? बड़ा कंपोनेंट होगा, हाँ, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आपको सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होगा लास्ट माइल कनेक्टिविटी। एक्चुअली हम लोग स्टील मेट्रो लाइन इंक्रीमेंट हो रहा है, गाड़ी बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है हम लोग को जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक नहीं है। सो हमारा स्टेशन जाने के लिए मेरे को गाड़ी ले जाने ज़रूरत है। सो जब तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी ठीक तरह से मजबूत नहीं होगा एंड आपका जो कम्फर्ट्स नहीं होगा पैसेंजर्स को, तब तक मैं उम्मीद नहीं करता हूँ कि एफ्लुएंट क्लास मेट्रो में स्विच ओवर करेंगे। सो एंड कार और टू पर्सनल व्हीकल उसी टाइम में काम होगा, उस जब तक आपका जब मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ कॉमन मोबिलिटी कार्ड। अब जो सारा दुनिया में मैं देखा हूँ, कॉमन मोबिलिटी कार्ड में आप एक कार्ड आपका फेयर कार्ड होगा, वो कार्ड आप बस में यूज़ कीजिए, आपको ट्राम में यूज़ कीजिए, मेट्रो में यूज़ कीजिए, वो कार्ड आपको उसी हिसाब से डिडक्शन हो जाएगा। जैसे लंदन में ऑयस्टर कार्ड है। मेरा विचार यह है ये मेट्रो एक्सपेंशन साथ साथ, अभी तो 370 किलोमीटर होगा थर्ड फेज में, हमारा और एक महत्वपूर्ण जो योगदान देना है वो है कैसे हम लोग लास्ट माइल इम्प्रूवमेंट कनेक्टिविटी इम्प्रूव करें। इसके लिए हम लोग, मैं ये रिक्वेस्ट है डीम्स, DMRC एंड DTC, इसको सब एक साथ मिला के एक प्लेटफॉर्म काम एक साथ आके हमारा दिल्ली सिस्टम को इम्प्रूवमेंट के लिए 15,000 से 16,000 बसेस का ज़रूरत है। वो बसेस लेके उसका साथ रूट रैशनलाइजेशन, रूट शेड्यूलिंग, मेट्रो का ये फीडर बस सर्विस, ये सब तरह से ठीक तरह से करे। मेरा विचार है हमारा जो ट्रांसपोर्ट का समस्या है ये 5-10 साल में पूरा खत्म हो जाएगा, साथ से जैसे मेट्रो इंक्रीज लेंथ इंक्रीज करेंगे। सर एक्चुअली आपने काफी इम्पोर्टेंट यहाँ पर बोला कि एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि जो अभी मैं अगर जाती हूँ, मेरे घर से मानिए 2 किलोमीटर दूर है मेट्रो, मैं शायद गाड़ी लेके जाऊँ या मुझे गाड़ी से कोई वहां पर ड्रॉप कर दे, तो डेफिनेटली वो ट्रैफिक में ऐड करता है, पॉल्यूशन में भी ऐड करता है, और कॉमन मोबिलिटी कार्ड जो इम्पोर्टेंट है। तो इसके बिट सर दैट मीन्स अगला स्टेप जो अब है, अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग मेट्रो की कनेक्टिविटी जो कि साल दर साल बढ़ रही है, अब आगे आने वाले टाइम में और भी फेजेस में एक्सपेंशन देखने जा रहे हैं, एक कॉमन मोबिलिटी कार्ड, एक लास्ट माइल कनेक्टिविटी, ये एक्चुअली नीड ऑफ द आर है। कितने समय में आपको लगता है इस पर काम किया जा सकता है? एंड वन मोर थिंग, जो यहाँ पर हम फुली ऑटोमेटेड मेट्रो की मजेंटा लाइन पर बात कर रहे हैं, आने वाली और मेट्रोज या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेट्रोज में ये टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं? नहीं, उसमें भी ला सकते हैं, पर उसमें ग्राउंड इंस्टॉलेशंस करने होंगे, तो उसके लिए मतलब क्या डिटेल है वो देख करके फिजिबिलिटी देखना होगा। बट अभी जो चाहिए, जैसे मैं प्रोफेसर साहब की बात से सहमत हूँ, जैसे आप देखिए रिंग रेलवे फेलियर हुआ बिकॉज लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं था, BRT फेलियर हुआ लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं था। बसेस की ज़रूरत भी इतनी ज़्यादा है, अगर जैसे फॉरेन कंट्रीज में आमतौर पर ये जाना जाता है कि वहाँ पे बोर्ड लगा है बस इतने बजे आएगी, बस उतने बजे आती है, और बस आती है हर 15 मिनट में, और ये कॉन्फिडेंस लोगों को हो जाए कि अच्छी कंफर्टेबल बस भी है और बस फिर मेट्रो स्टेशन को भी कनेक्ट करती है, तो लोग फिर अपनी पर्सनल व्हीकल को छोड़ देंगे, क्योंकि पर्सनल व्हीकल को निकालना, वहाँ पे मैनेज करना, पार्किंग की कॉस्ट बढ़ जाना, ये सब चीज़ों का नेगेटिव नॉलेज है। बट देन रिलायबिलिटी हो जाना, जो कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी, पैरेलल बस सर्विस और फ्रीक्वेंसी इतनी कि मतलब आदमी एक मिस कर गया तो उसको पता है कि दूसरी मिल जाने वाली है, थोड़ा देर इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, दैट मींस कि ये सब चीजों से मिला करके एक मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा। राइट,
वास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपार्ट फ्रॉम मेट्रो मेट्रो तक पहुंचाने के लिए फीडर बसेस का होना, लास्ट जो माइल कनेक्टिविटी है उसको इम्प्रूवमेंट करना, जो कॉमन मोबिलिटी कार्ड है उसका इंट्रोडक्शन भी एक्चुअली ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा, और तभी जो नेटवर्क मेट्रो का है जो बढ़ रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। बट थैंक यू सो मच डॉक्टर पीके सरकार साथ ही एंड मिस्टर एस के विज हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। तो मेट्रो का सौगात मिल चुका है, लोग जल्दी इस पर सफर भी करना शुरू कर देंगे। हम बात कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन की, तो क्रिसमस पर ये एक बहुत बड़ा गिफ्ट यहां पर तमाम यात्रियों को मिला है।